आया साहब, अभी जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह भी रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि अभी और मुश्किल फैसले हैं जो हमें लेने पड़ेंगे। अब दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, पाकिस्तान में मजीद महंगा, मईशत अच्छी की जब खबरें आ रही थी तो लोगों ने उम्मीद बांध ली थी कि अब अच्छा होगा, ये तो तकरीबन 7 रुपये महंगा कर दिया पेट्रोल। एक तो इतला ही है कि शायद ये पेट्रोल ज़्यादा खरीद बैठे हुए हैं पिछली दफ़ा, तो महंगा खरीदा हुआ है इसलिए। और मिफ्ता कह रहे थे कि मैंने तो ये वादा किया था कि टैक्स नहीं लगाऊंगा, ये तो नहीं कहा था कि पेट्रोल सस्ता करूंगा। वो तो पता नहीं कहाँ से वो 15 रुपये का वो चल रहा था कि जी वो 15 रुपये, अब वो कहते हैं कि ओगरा ने जो तजवीज़ दी थी उसके मुताबिक किया है। ये सारा कुछ तो ज़ाहिर अपनी जगह है, वो आम आदमी के साथ क्या बीतती है वो इस क्लास को नहीं पता होता, ना होना चाहिए इस क्लास को पता, क्योंकि अगर इस क्लास को पता चल जाए कि वो क्या होता है तो फिर शायद कुछ चीज़ें और तरह से हो रही हों या कोई अपने अखराजात कम करने की तरफ जा रहे हों। लेकिन नहीं, चूँकि इन्हें इनको ये एहसास तक नहीं हो सकता कि आम आदमी, ये मतलब आम आदमी का नाम ज़रूर लेते हैं, वो एक महंगाई मुकाव मार्च भी आपको पता ना आपके और मेरे लिए किया था इन्होंने कि जी बहुत चूँकि महंगाई बहुत होगी, और यही मिफ्ता इस्माइल कहते थे ना 133 रुपये लीटर पेट्रोल एक आम आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा। लेकिन इसके साथ बड़ी अजीब बात है, नवाज शरीफ साहब ने ये इत्तेहादियों से कहा था कि मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, अगर आप चाहते हैं ये गवर्नमेंट चले तो फिर आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। और इत्तेहादी आज आसिफ जरदारी साहब की तरफ से भी पहली बार ये रिएक्शन आया कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले अपनी ही गवर्नमेंट, अपने ही प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वॉकआउट किया है, और मरियम साहबा ने भी इसको मुस्तरद कर दिया इस फैसले को। अब बदकिस्मती ये है कि इसहाक डार साहब तो आने के लिए तैयार बैठे थे, वो रौला ये बन गया कि वो ज़िमनी इलेक्शन पीटीआई जीत गई, अगर वो ना जीतती तो शायद वो आके बैठ जाते और आज मरियम ये बात भी ना करती। पेट्रोल महंगा भी हुआ था और ना नवाज शरीफ साहब को वॉकआउट करने का मौका मिलता उस मीटिंग से, तो रौला मुझे लगता है सिर्फ मिफ्ता इस्माइल का है। और एक तासर और भी लोग ले रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा, वो जो पहले भी इनके हवाले से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के हवाले से गुड कॉप बैड कॉप वाली एक थेरी चलती रहती है हमेशा कि वो एक सॉफ्ट फेस हैं और नवाज शरीफ साहब वो ले लेते हैं, खड़े हो जाते हैं कि नहीं ऐसी की तैसी मैं नहीं मानता, तो एक वो भी तासर शायद देने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अब नवाज शरीफ की वापसी की भी बातें हो रही हैं, तो जाहिर है उससे पहले उनको हीरो बनाना भी मकसूद है। और नवाज शरीफ और मरियम तब नून लीग और शीन लीग इस वक्त वाज़े एक इनमें तकसीम जो दिखाई जा रही है या नज़र आ रही है, मतलब मैं अब ज़ाहिर इस पर क्या कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो कोई नहीं है, कि ये तो तासुरात हैं जो पैदा हो रहे हैं, जो लोग मुख्तलिफ लोग बात कर रहे हैं उस हवाले से ही हम बात कर सकते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब हीरो बन के आएँ और लोगों से कहें कि देखें मैंने तो उस वक्त भी मुखालफत की थी इन चीज़ों की, मैं तो एक रुपए का बोझ, एक पैसे का बोझ आवाम पे नहीं डालना चाहता था, इन लोगों ने आपके साथ ये किया है, लेकिन आप फिक्र ना करें, अब मैं आ गया हूँ तो सब ठीक कर दूंगा, चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएंगी, कोई मसला नहीं होगा। आप जरा देहात में जाके किसान से तो पूछें उसकी क्या हालत हुई हुई है, ये तो उनकी बड़ी खुशकिस्मती है कि ये बरसात की वजह से बारिशें बहुत हो गई और वो जो उसकी चावल की फसल काश्त कर रहे हैं जिसको मुंजी कहते हैं वो पानी उन्हें ऑटोमेटिकली मिल गया, लेकिन ट्रैक्टर उन्हें फिर भी चलाना पड़ता है, वो ट्रैक्टर चलाने में डीजल इतना खर्च हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि जी हम तो नुकसान में जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये बस ये जो हमारी रूलिंग इलीट है ये आपकी बात जरूर करती है, इसको आपका दुख भी बड़ा है लेकिन आपके लिए करने के लिए कुछ तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलेगा कि इनके अपने मुनाफे में इजाफा हो गया और लोग ख्वार हो रहे हैं।